मरता है, जैसे यहां की रिंग आप डायल करो तो पहले क्या होता है पता है? सेटेलाइट में जाता है और वहां के कोड नंबर के अनुसार उस कंट्री में जाता है और फिर कोड नंबर के हिसाब से उस राज्य में जाता है और फिर उस घर के अनुसार आता है आदि आदि। तो ऐसे आदमी मर जाता है तो जैसे यहां की रिंग लंदन में भी हो सकती है, अमेरिका में भी हो सकती है, कलकत्ता में भी हो सकती है, मुंबई में, ऐसे यहां का बॉडी छूटा हुआ व्यक्ति स्पेस में जाता है, ऊपर जाता है, फिर धूमस के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा, वृष्टि के द्वारा वो लंदन में भी जन्म सकता है, कलकत्ते में भी पैदा हो सकता है और ब्रह्मा में भी पैदा हो सकता है और महाराज पाताल में भी जा सकता है और स्वर्ग ऊपरी लोकों में भी टिक सकता है। ऐसा होता है। तो कभी इधर का जन्मा हुआ जीव मरने के बाद जिसको हम परदेश कहते हैं, हकीकत में परदेश कोई नहीं, सब अपना ही देश है। ये तो बेवकूफी की रेखाएं मन की कल्पनाओं से देश परदेश हमारा तुम्हारा, और जितनी संकीर्णता आई उतना खर्च बढ़ा, उतने बंदूकधारी बढ़े, उतने बम बनाने वाले बढ़े, ये सारा बेवकूफी का विस्तार है। अगर 1,00,000 आदमी में एक ज्ञानी हो जाए तो सब बेवकूफी के कारण जो खर्चे होते हैं और मानव मानव का सत्यानाश होता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 1,00,000 आदमी में एक आदमी अगर ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, महाराज 70 करोड़ में 7,000 ब्रह्मज्ञानी भारत में हो तो फिर आधा घंटे में भारत स्वर्ग में बदल जाए। बस्ती का वधारा होता है, नए जीव जन्मते रहते हैं, लेकिन नए जीवों को आत्मज्ञान देने वाले नए ब्रह्मवेता उतनी संख्या में नहीं होते, इसलिए मुसीबत बढ़ रही। और जिन साधनों से प्रचार प्रसार होता है वे साधन ब्रह्मज्ञानियों के आदेश के अनुसार नहीं चलते, अज्ञानियों के आदेश के अनुसार चलते, इसलिए अज्ञान का विस्तार हो रहा है और अज्ञान का विस्तार से लोगों का नेरो माइंड हो रहा है, प्रांतीयता जातीयता ये वो खेचता दे धमाधम हो रहा है। जैसी कृष्ण के ऊपर हो, मैं करोड़ी मल को नहीं भूलता हूं, वे कलकत्ता से रिंग हुई मतलब डेथ हुए, पेस में गए और फिर धूमस आदि के किसी भी द्वारा वे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आन पहुंचे विदाउट टिकट। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अन्न जल फल में रहे और किसी कुम्हार ने खाया, मां कहती है बच्चा मेरा है क्योंकि मेरे पेट से निकला है, लेकिन मां गौर करके विचार करे कि बच्चा मां का नहीं है, मां के पेट से नहीं निकला, बच्चा बाप के पेट से निकला है, मां के पेट में केवल बड़ा हुआ है। तो बाप बोलता है बच्चा मेरा, लेकिन उसको भी सावधान होना चाहिए, बच्चा बाप के पेट से नहीं निकला है, बच्चा अन्न के पेट से निकला है, मानना पड़ेगा। अन्न खाया उससे रस हुआ, उससे रजवीर हुआ आदि। अन्न कहे कि बच्चा मेरा, अन्न सावधान हो जाए, अन्न जल के पेट से निकला है, और जल कह दे बच्चा मेरा वो सावधान हो जाए, जल आकाश के पेट से निकला है, आकाश कह दे बच्चा मेरा रुक जा आकाश, आकाश महतत्व के पेट से निकला है, महतत्व कह दे बच्चा मेरा, प्रकृति कहती है ठहर जा, महतत्व प्रकृति के पेट से निकला है, प्रकृति कह दे बच्चा मेरा सावधान, महापुरुष कहते प्रकृति अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, हमने जान लिया है प्रकृति बिना परमात्मा की सत्ता के सिवाय कुछ नहीं कर सकती, पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, जैसे किसी आदमी को काम पर रखो तो वो बोलेगा मेरा रोज का 50 रुपया है, ऐसा नहीं बोलेगा मेरी शक्ति का 25 रुपया है और मेरा 25 रुपया है, नहीं, पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे ही पुरुष और प्रकृति आपस में अभिन्न है, जैसे दूध और दूध की सफेदी अभिन्न है, सांप और उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल अभिन्न है, फल और फल का रस अभिन्न है, ऐसे प्रकृति और परमात्मा अभिन्न है। तो बच्चा किसका हो गया? परमात्मा का बच्चा हो गया। तो परमात्मा का बच्चा हो गया तो बीच में जैसे ये खेडूत के पास था ना गुलाब के फूल, खेडूत कहता है मेरा माल, होलसेलर के मालिक के पास आया बोलता मेरा माल, रिटेल वाले के पास आया बोलता मेरा माल, तुमने माला ली 15 रुपए की 10 रुपए की बोले मेरी माला है,
धर दी यहां तो शास्त्री जी की माला है, हमने उठाकर समिति को दे दी, बोले चूरण में डालेंगे, किसका माल है, बोले समिति का माल है। लेकिन हकीकत में ये माला, ये फूल किसके थे? ये फूल है पांच भूतों के, और पांच भूतों के तरफ जा रहे हैं, इसकी सुगंध बिखर रही है और इसका जल भाग जल में मिले जा रहा है बाष्पीभूत होकर, तो जहां से आया वही जा रहा है। लेकिन ममता के चिन्ह बदलते गए, ममता चाहे कोई कैसे कर दे लेकिन वो जहां से आया वही जा रहा है। ऐसे इन फूलों पर चाहे कोई ममता कर ले, माँ कहे मेरा बेटा है, बाप कहे मेरा बेटा है, मिस्टर कहे मेरी मिसेस है, लेडी कहे मेरा लेडा है, लेडा कहे मेरी लेडी है, लेकिन है पांच भूतों का, उधरी को तो जा रहा है, कौन किसको थाम सका है। इस बात को अगर समझ जाएं तो तमाम प्रकार की चिंता, भय, संघर्ष और विकार अपने आप शांत होने लगते हैं। महाराज करोड़ीमल सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक कुम्हार के वाजन में 18 साल के हुए कुम्हार कथा सुनने जाता था। कथा करने वाला केवल कथाकार नहीं था लेकिन उसके जीवन की गहरी अनुभूतियां थी, और ऐसे कथा करने वाले कभी कभी भाग्य से मिलते हैं, ऐसे पुजारी भाग्य से मिलते हैं रामकृष्ण जैसे जो सचमुच में पूजा करते हो। को विधि से पूजा करने वाले पुजारी अलग बात है, लेकिन पूजा पूजा ही हो जाए ऐसे पुजारी मिले तो मां खाने लगती है, और ऐसे कथाकार मिलते हैं तो श्रोता चलने लगते हैं। जय राम जी। महाराज आप लोग को देर तो नहीं हो रहा है ना, आपका समय खराब तो नहीं हो रहा है ना, देखना माफ करना जरा, थोड़ा समय ले रहा हूं तुम्हारा। ओम ओम, क्योंकि तुम्हारा बहुत कीमती समय है, भगवान की चर्चा से भी ज्यादा तुम्हारा संसार कीमती है। नारायण नारायण नारायण, नारायण बोलने में कंजूसी नहीं करना, नारायण नारायण। महाराज करोड़ी मल 18 वर्ष का हुआ, भूतपूर्व करोड़ी मल, भूतपूर्व होता है ना, सब भूतपूर्व एमपी बैठे हैं, भूतपूर्व मिनिस्टर थे, भूतपूर्व ये थे, तो ऐसे भूतपूर्व करोड़ी मल बाप के साथ वो बाबा जी के पास गए, और बाबा जी की कथा सुनकर उस लड़के को हुआ कि बाबा जी कह रहे हैं कि अरे तुम चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे में अथाह बल है। बाबा जी का केवल पढ़ा लिखा ज्ञान ध्यान नहीं था, लेकिन बाबा जी का जीवन प्रैक्टिकल था। बाबा के